गवा जीवन सदा में गुण गाए। गीत मेरे देश तेरी वंदना के काम आए, गीत मेरे देश तेरी वंदना के काम आए। रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन के प्यार के प्रतीक का त्योहार। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन के लिए रक्षा सूत्र बांधती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहनों तक सीमित नहीं रहा है, आरएसएस ने, संघ ने इसे एक नया रूप दिया है। भाई भी अपने दूसरे भाई को रक्षा का सूत्र बांधेगा और रक्षा सूत्र बांध चुके हैं यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता, एक नई मुहिम छेड़ी है रक्षाबंधन के लिए। तो क्या कहेंगे सर, भाई भी एक दूसरे भाई को रक्षा का सूत्र बांधेगा? जी, स्वयंसेवक भाई बंधु सब एक दूसरे से जो है एक दूसरे को रक्षा का वचन देते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं और इस तरह से सब आपस में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जहाँ हम पहले देखते थे सिर्फ बहनें ही भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को बांधेगा, आपने एक नई मुहिम छेड़ी है। नहीं, ये तो संघ की बहुत पुरानी मुहिम है। संघ की स्थापना सन 1925 में हुई थी और ये हमारे 6 उत्सवों में से एक उत्सव है। तो हर साल इसी तरह से आप लोग मनाते हैं? जी, हर साल मनाते हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य आपस में सबका प्रेम हो, सब एक दूसरे की रक्षा करें, सब एक दूसरे का ध्यान करें। और भी कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? निमेश जैन। आज रक्षाबंधन आप लोग मना रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, तो किस तरह से मना रहे हैं? हम देश की रक्षा के लिए आज शपथ लेते हैं, अपने भगवा ध्वज की जो सुरक्षा के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए इसको मनाया जाता है। एक दूसरे में प्रेम भाव रहे, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रहें, एक दूसरे का परिचय सुख दुख का साथी बने, इसलिए रक्षा सूत्र हम एक दूसरे को बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो अभी किस तरह से आप बस्ती में पहुंचेंगे और रक्षाबंधन? जी जी, अभी हमारे जो इधर की महाराणा प्रताप बस्ती है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, वहाँ पे जाएंगे और उनके साथ भी रक्षा सूत्र बांध के उनको अपना प्रेम भाव में आपस में मिल के बनाएंगे। अभी आपने देखा कि भाई बहनों के जो प्यार का रक्षाबंधन त्यौहार है, अब भाई भी दूसरे भाई को रक्षाबंधन मनाता है, सूत्र बांधता है। आप क्या कहेंगे सर? हिंदू धर्म विश्वास और आस्था का धर्म है और ये रक्षाबंधन उसी का ही प्रतीक है। एक दूसरे से मौखिक एक वचन दिया जाता है, वचन लिया जाता है, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और हम सब ये समरसता का एक भाव लेके एक दूसरे को रक्षा बांधते हैं। तो ये उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आज रक्षाबंधन मनाएंगे। और कितने सालों से आरएसएस इस प्रकार से रक्षाबंधन मनाता है? ये 1925 से ये 6 मुख्य त्योहारों में हमारा रक्षाबंधन भी मुख्य ही है, त्योहार इसी तरह से मनाया जाता है। गली मोहल्लों में जाकर भाई को राखी बांध रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई को राखी बांध रहा है और रक्षा सूत्र बांधते हुए रक्षा करने का वचन भी दे रहा है। एक अनोखे रूप से आरएसएस के कार्यकर्ता सन 1925 से लगातार इसी तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हुए, रक्षा का सूत्र बांधते हुए, एक दूसरे के चेहरे पर जो चमक है और स्माइल है और एक दूसरे को जो रक्षा का एक सूत्र बांधने के बाद वो रक्षा वचन देते हैं, वो बहुत ही देखने लायक बन रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजयपाल। आप भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं? जी, आरएसएस से तो नहीं जुड़ा, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ, आस्था रखता हूँ। आरएसएस के कार्यकर्ता रक्षाबंधन पर एक अलग ही तरह से मना रहे हैं इस पर्व को, घर घर पहुँच रहे हैं और आपको भी राखी बांधी है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ हर वर्ष इसी तरह भाई बहनों का अपना प्यार बना रहे और आपस में भाई भाई भी एक दूसरे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें, अच्छा लगा। आरएसएस के कार्यकर्ता महाराणा प्रताप कॉलोनी में पहुंचे हैं, बागड़ी समाज से कहा जाता है, जहां पर रक्षा का सूत्र यहां पर वो बांध रहे हैं और इस त्यौहार को बड़ी ही सादगी से बहुत अच्छे तरीके से यहां पर मनाया जा रहा है और एक दूसरे की यानी कि भाई भाई की रक्षा करने का वचन ले रहा है। कि ये पहली बार ही मतलब हमें भी चांस मिला है, आप लोगों को मिला है, हमारी बस्ती के लिए एक अच्छी शुभकामनाएं आई, उसके लिए हम बधाई मानते हैं आज जोड़ करके। पहला
पहले आपको सिर्फ आपकी बहनें या बेटियां राखी बांधती थी, लेकिन आज भाई भी आपको राखी बांध रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि यह साल ये है ना, भाई भाई में भी होना चाहिए त्यौहार, ये बहन भाई को तो यही भाई भाई में भी होना चाहिए, ये उससे प्यार बढ़ेगा और अपने रिश्ते मजबूत होंगे। जी मेरा नाम सुभाष प्रधान। पहले भाई बहन एक दूसरे को ये त्योहार मनाते थे, बहनें रक्षा सूत्र बांधती थी, लेकिन भाई भाई भी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो? क्या हर साल इसी तरह से त्योहार मनाया जाता है? जी नहीं, अब से पहले नहीं देखा, आज पहले फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई भाई को राखी बांध रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा है आपसे भाई, सब लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आज हमारी बस्ती में एक नया काम हुआ है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहनों तक सीमित नहीं है, रक्षाबंधन का त्यौहार एक भाई दूसरे भाई को राखी बांधकर भी मना सकता है, एक बहन दूसरी बहन को भी राखी बांधकर ये त्यौहार मना सकता है। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रेम का प्रतीक है, बीच में जो रिश्ता होता है भाई बहनों के और भाई भाई के बीच में जो रिश्ता होता है, उसके एक अटूट बंधन, और उसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है आरएसएस के कार्यकर्ता जो गली मोहल्लों में पहुंचकर अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से इस तरह से मनाया जा रहा है, लगातार ये लोग इसी तरह से आरएसएस के कार्यकर्ता जितने भी हैं वो गली मोहल्लों में पहुँचते हैं और इसी तरह से ये त्यौहार हर साल मनाते हैं, और इस साल भी इसी तरह से आरएसएस के कार्यकर्ता ये त्यौहार बड़ी ही सादगी के साथ मना रहे हैं, गली मोहल्लों में पहुंचकर अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं। माना जाता है कि हम लगातार यही सोचते हैं और यही विचार भी करते हैं कि भाई बहन एक दूसरे को रक्षा का सूत्र बांधते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में बस्तियों में पहुंचकर अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं और ये त्यौहार मना रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई को रक्षा का सूत्र बांध रहा है और हैप्पी रक्षाबंधन कह के रक्षाबंधन के पर्व की बधाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि ये सिर्फ त्यौहार बहन और भाई का ऐसा नहीं है, आरएसएस ने एक नई मुहिम सन 1925 में चलाई थी जो लगातार अभी भी जारी है। सन 1925 से लगातार आरएसएस के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में बस्ती में पहुंचकर भाइयों को राखी बांधते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। जिस प्रकार से आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तबके के लोगों के साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, इससे हमें संदेश मिलता है कि भेदभाव को दूर करके हमें एकता के साथ रहना चाहिए, प्यार बनाए रखना चाहिए और भाई भाई के बीच में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर हमें ये संदेश मिला है कि भाई भाई भी एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं।